Hello viewers, Assalamualaikum, good morning. एंटी कोरोना सिविल क्लासेस में आपका स्वागत है. व्यूवर्स, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, सर प्लीज़ आप हमारे लिए डिज़ाइन ऑफ गैंट्री गर्डर की एक प्रॉब्लम को सोल्व कर दीजिए, स्पेशली फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स. तो व्यूवर्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 2, ठीक है. और स्टील स्ट्रक्चर 2 का हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले डील करेंगे डिज़ाइन ऑफ गैंट्री गर्डर. तो देखिए व्यूवर्स, डिज़ाइन ऑफ गैंट्री गर्डर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ डिज़ाइन स्टेप्स होती हैं वो जान लेते हैं. तो देखिए, डिज़ाइन ऑफ गैंट्री गर्डर की जो डिज़ाइन स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से होती है. इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, इसकी पहली स्टेप होती है कैलकुलेट द मैक्सिमम व्हील लोड, ठीक है व्यूवर्स. एंड स्टेप नंबर 2 होती है इसकी, कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन फॉर द गैंट्री गर्डर. एंड स्टेप नंबर 3 होती है कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर फोर्स फॉर गैंट्री गर्डर. एंड स्टेप नंबर 4 के अंदर हम सेक्शन सिलेक्शन फॉर द गैंट्री गर्डर, इसके लिए एक हम सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे. एंड स्टेप नंबर 5 के अंदर हम कैलकुलेट द कम्बाइंड आई जेड जेड, आई वाई वाई एंड जेड पी ऑफ द ट्रायल सेक्शंस हम फाइंड आउट करेंगे. एंड स्टेप नंबर 6 के अंदर चेक फॉर द मोमेंट कैपेसिटी फॉर द गैंट्री गर्डर में जो हमने सेक्शन डिज़ाइन करा है उस कम्बाइंड सेक्शन के लिए हम मोमेंट कैपेसिटी को चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू IS कोड 800/2007 पेज नंबर 53 के अकॉर्डिंग. एंड स्टेप नंबर 7 के अंदर हम कैलकुलेट द शेयर कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू IS कोड 800/2007 पेज नंबर 59. और इसकी जो लास्ट स्टेप होगी वो होगी चेक फॉर द डिफ्लेक्शन. इसके अंदर हम जो गैंट्री गर्डर होगी हमारी उसके लिए अपन डिफ्लेक्शन निकालेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे परमिसिबल डिफ्लेक्शन से. और अगर आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन परमिसिबल डिफ्लेक्शन से कम होगा तो आपका सेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेफ. तो देखिए, डिज़ाइन ऑफ गैंट्री गर्डर को हम क्रेन गर्डर के साथ यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा. और क्रेन गर्डर क्या होता है, क्रेन गर्डर जो हैवी गुड्स होते हैं मतलब भारी जो सामान होते हैं उनको उठाने के लिए हम मिल्स में, फैक्ट्रीज के अंदर और लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क में हम यूज़ करते हैं. तो देखिए, इसकी डिज़ाइन स्टेप्स को हमने यहाँ पर जान लिया है. और डिज़ाइन स्टेप्स हमने ये जाना कि सबसे पहले हम लोड निकालेंगे, लोड के बाद बेंडिंग मोमेंट, फिर शेयर फोर्स, फिर हम गैंट्री गर्डर के लिए सेक्शन को चूज़ करेंगे, फिर उसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे, फिर मोमेंट निकालेंगे, फिर शेयर निकालेंगे एंड देन लास्ट डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे. तो आइए हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आसान भाषा के अंदर. तो हमारा एक क्वेश्चन है जो कि RTU का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, RTU में हर लगभग हर साल पूछा जाता है. और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डिज़ाइन द गैंट्री गर्डर ऑफ द फॉलोइंग डेटा. हमें एक गैंट्री गर्डर की डिज़ाइन करनी है जो कि क्रेन गर्डर पर लगी हुई है, और इसमें कुछ हमें डेटा दे रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है क्रेन कैपेसिटी, मतलब क्रेन की जो कैपेसिटी है जो कि क्रेन गर्डर पे होती है वो हमें दे रखी है 200 किलोन्यूटन. सेकंड है स्पान ऑफ द गैंट्री गर्डर, जो गैंट्री गर्डर का स्पान है वो हमें दे रखा है 7.5 मीटर. अब गैंट्री गर्डर का स्पान क्या होता है, देखिए ये हमारी गैंट्री गर्डर है और यहाँ पर भी गैंट्री गर्डर अवेलेबल होगी, इनके बीच का स्पान होता है स्पान ऑफ द गैंट्री गर्डर जिसको हमने L डिनोट किया है, ठीक है. आगे चलते हैं, स्पान ऑफ द क्रेन गर्डर, क्रेन गर्डर का स्पान मतलब ये वाला स्पान, ठीक है. स्पान ऑफ क्रेन गर्डर हमारा दे रखा है 15 मीटर. आगे देखिए, सेल्फ वेट ऑफ द क्रेन गर्डर एक्सक्लूडिंग द ट्रॉली, जो हमारी क्रेन गर्डर है उसका हमें सेल्फ वेट दे रखा है 200 किलोन्यूटन ट्रॉली को हटाकर, मतलब ये जो हमारी क्रेन गर्डर है इसका सेल्फ वेट इस ट्रॉली को हटाकर हमें दे रखा है 200 किलोन्यूटन. इसके आगे हम चलते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द ट्रॉली, अब जो हमारी ट्रॉली यहाँ पर लगी हुई है इसका सेल्फ वेट हमें दे रखा है 40 किलोन्यूटन. तो इसका टोटल वेट कितना हो गया, इसका सेल्फ वेट था हमारा 200 और ट्रॉली का है हमारा 40, तो टोटल सेल्फ वेट जो हो गया हमारा क्रेन का कितना हो गया, 240. अच्छा, आगे इसमें बोला मिनिमम हुक अप्रोच हमें दे रखी है 1.2 मीटर. अभी हुक अप्रोच क्या होती है,
ये भी आपको मैं नीचे जो डायग्राम इसका होगा उसमें बताऊंगा। आप अभी इतना समझ लीजिए, क्रेन गर्डर से जितनी डिस्टेंस पे हमारा मैक्सिमम स्टैटिक बिल लोड लगता है वो हमारी हुक अप्रोच होती है। जैसे हमें इस डायग्राम में गिवन है, ये हमारा मैक्सिमम स्टैटिक बिल लोड है और ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, हुक अप्रोच होगी। और इसको हम अच्छे से नीचे क्वेश्चन में समझेंगे। और आगे देखिए, व्हील बेस ऑफ द क्रेन, मतलब जो क्रेन जो है उनके व्हील बेस की जो बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 3.5 मीटर। सेल्फ वेट ऑफ द रेल सेक्शन, गैंट्री गर्डर पर जो हमारी क्रेन गर्डर मूव होगी तो उसके लिए हम रेल सेक्शन को बिछाएंगे, तो उस रेल सेक्शन का जो सेल्फ वेट है हमें वो हमें गिवन है 300 न्यूटन पर मीटर। आगे हमें दे रखा है एफ आई, हमें गिवन है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्पान ऑफ द गैंट्री गर्डर हमें एज्यूम करना है, स्पान ऑफ द गैंट्री गर्डर हमें बोला है नो लैटरल रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसमें हमें एक गैंट्री गर्डर की डिज़ाइन करनी है जिसमें हमें वेरियस प्रॉपर्टी गिवन है। क्रेन की कैपेसिटी हमें दे रखी है, गैंट्री गर्डर का स्पान दे रखा है, क्रेन गर्डर का स्पान दे रखा है, क्रेन का वेट कितना है, ट्रॉली का वेट कितना है, हुक अप्रोच हमें कितनी दे रखी है, व्हील बेस हमें कितना दे रखा है, वो सारी चीज़ हमें गिवन है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इसका मैं आपको एलिवेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा क्रेन गर्डर का एलिवेशन है और इस एलिवेशन में आपको सारी चीज़ एकदम क्लियर नज़र आ जाएगी। ये हमारा हो गया स्पान ऑफ द क्रेन गर्डर, जिसे हम LC बोलते हैं, 15 मीटर। और ये वाला जो स्पान होगा वो गैंट्री गर्डर वाला स्पान होगा जो हमें प्लान में नज़र आएगा अभी। और यहाँ हमारी ट्रॉली होगी और यहाँ हमारा एक हुक होगा और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं हुक अप्रोच। ठीक है व्यूअर्स, और अगर इसका हम प्लान देखें तो प्लान हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए, ये हमारी गैंट्री गर्डर और गैंट्री गर्डर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है हमारी L। गैंट्री गर्डर के जो बीच की डिस्टेंस क्या होती है वो होती है हमारी L। और गैंट्री गर्डर के बीच में जो हमें ये स्पान नज़र आ रहा है वो क्रेन गर्डर का स्पान है। और यहाँ पर एक ट्रॉली है और ट्रॉली पर हुक है और ट्रॉली की के हुक से गैंट्री गर्डर की जो डिस्टेंस है 1.2 मीटर, मतलब मैक्सिमम क्रेन गर्डर की वजह से जो गैंट्री गर्डर पे लोड लगता है वो मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड लगता है और मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड 1.2 मीटर पे एक्ट होता है। ठीक है, और ये क्रेन गर्डर गैंट्री गर्डर पे इस तरह से मूव करती है, ठीक है, और ट्रॉली ऐसे मूव करती है। तो ये प्लान हो गया और ये हमारा इसका एलिवेशन हो गया। तो देखिए, हमें डिज़ाइन ऑफ द गैंट्री गर्डर, मतलब हमें गैंट्री गर्डर की डिज़ाइन करनी है। ठीक है, और गैंट्री गर्डर की डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो निकालना होगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम व्हील लोड, मतलब गैंट्री गर्डर पर क्रेन गर्डर की वजह से कितना व्हील लोड आ रहा है। ठीक है, तो वो व्हील लोड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्रेन के लोड की बात करते हैं। तो क्रेन का जो लोड होगा हमारा, उसमें हम सबसे पहले निकालते हैं मैक्सिमम पॉइंट लोड, और मैक्सिमम पॉइंट लोड होगा हमारा क्रेन कैपेसिटी प्लस ट्रॉली वेट। तो क्रेन की कैपेसिटी हमें दे रखी थी 200 किलो न्यूटन, ट्रॉली का वेट था हमारा 40, तो टोटल वेट हो गया हमारा 240, टोटल पॉइंट लोड हो गया हमारा 240 किलो न्यूटन। और ये 240 किलो न्यूटन जो आया क्रेन की वजह से आया, और ये गैंट्री गर्डर में कहाँ एक्ट होगा, मिनिमम हुक अप्रोच पर। ठीक है, मतलब गैंट्री गर्डर से 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर ये हमारा लोड एक्ट होगा क्रेन के स्पान के अंदर। देखिए, ये क्रेन का स्पान है और क्रेन के स्पान में गैंट्री गर्डर से 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर ये हमारा स्टैटिक पॉइंट लोड एक्ट होगा। तो सबसे पहले अपन ने निकाला ये पॉइंट लोड निकाल दिया, अब हम निकालेंगे क्रेन का सेल्फ वेट। तो देखिए, आपको पता है क्रेन का तो टोटल जो लोड था हमारा
क्रेन गर्डर का वो था 200 किलोन्यूटन। अगर ये हम लोड पर मीटर के लिए निकालें तो 200 हमारा था इसका लोड, ठीक है, मतलब इस क्रेन का लोड, इस क्रेन का सेल्फ वेट हमारा था 200 किलोन्यूटन। और अगर हम पर मीटर के लिए निकालेंगे तो पर मीटर के लिए आ जाएगा हमारा 200/15। तो इस क्रेन का पर मीटर का जो हमारा सेल्फ वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 13.33। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो चीज़ निकाल दी। देखिए एक बार फिर सुन लीजिए, हम डिज़ाइन ऑफ गैनेट्री गर्डर कर रहे हैं और डिज़ाइन ऑफ गैनेट्री गर्डर में हम गैनेट्री गर्डर पर लोड निकाल रहे हैं क्रेन गर्डर की वजह से। तो क्रेन गर्ड उसके लिए हमें सबसे पहले क्रेन का वेट निकालना होगा। तो सबसे पहले हमने क्रेन का मैक्सिमम पॉइंट लोड ले लिया, 240 किलोन्यूटन आ गया, और क्रेन का सेल्फ वेट हमने निकाल लिया पर मीटर के लिए, 13.33 किलोन्यूटन पर मीटर आ गया, और इसको हमने इस बीम के अंदर एक्ट कर दिया। ठीक है, और इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए क्रेन स्पान के, एक ए और एक बी। ठीक है, और आपको पता है मैक्सिमम पॉइंट लोड जो एक्ट होता है वो गैनेट्री गर्डर से 1.2 मीटर पे एक्ट होता है क्रेन गर्डर में, तो हमने 1.2 मीटर पे 240 को एक्ट कर दिया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी रिएक्शंस। रिएक्शंस आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, RA + RB = टोटल लोडिंग। ठीक है, तो टोटल लोडिंग हमारी हो जाएगी 240 + 13.33 × 15, तो हमारा हो जाएगा 439.95। अब हम RB की वैल्यू निकाल देते हैं। तो RB की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, इससे हमारी RB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और RB से हमारा RA भी आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम लोड की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ए पॉइंट पर आ रही है कि बी पॉइंट पर आ रही है। तो हमें मैक्सिमम जो लोड आ रहा है हमारा वो ए पॉइंट पर आ रहा है, और यही होगा हमारा मैक्सिमम व्हील लोड। ठीक है, तो मैक्सिमम व्हील लोड आ गया हमारा 320, और ये मैक्सिमम व्हील लोड जो आया है हमारा, ये हमारा आ गया 320.775 किलोन्यूटन। अभी मैक्सिमम व्हील लोड जो आया है हमारा दो व्हील्स के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्रेन में हमारे कितने व्हील्स होते हैं, दो, तो दो व्हील्स के लिए हमारा है। तो पर व्हील के लिए हमारा मैक्सिमम व्हील लोड कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हम टू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 160.387। ठीक है, अब होता क्या है, जब क्रेन मूव करती है गैनेट्री गर्डर पर, जैसे यहाँ पर जैसे क्रेन ये जब मूव करती है गैनेट्री गर्डर पर, तो मूव करने के दौरान क्या होता है, यहाँ पर इसको मोर सेफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इम्पैक्ट लोड का फैक्टर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू IS कोड 875 Part 2 Page 15 इसमें हम ऐड करेंगे एट द इम्पैक्ट लोड। और इम्पैक्ट लोड हम जो ऐड करते हैं वो कितना ऐड करते हैं, 25%। तो मतलब जो भी हमारा पर व्हील पर मैक्सिमम व्हील लोड आएगा उसमें हम इसको मोर सेफ करने के लिए 25% और ऐड करेंगे, ताकि जब क्रेन गर्डर गैनेट्री गर्डर पर मूव हो तो उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हमारा डिज़ाइन लोड हो जाएगा हमारा 160.387 × 1.25। ठीक है, और ये हमने 25% जो इंक्रीज़ किया है अकॉर्डिंग टू IS 875 Part 2 Page 15। तो फैक्टर डिज़ाइन विल लोड क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो हमारा आ जाएगा फैक्टर डिज़ाइन विल लोड। ठीक है, तो पहली स्टेप के अंदर अपन ने क्रेन गर्डर की वजह से गैनेट्री गर्डर पे कितना लोड एक्ट होगा वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब स्टेप नंबर टू के अंदर हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बिफोर द बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द सेल्फ वेट ऑफ द गैनेट्री गर्डर। अभी हमने सिर्फ क्रेन स्पान के, मतलब क्रेन की वजह से गैनेट्री गर्डर पे जो लोड आ रहा था वो फाइंड आउट किया था। अभी हमें गैनेट्री गर्डर का खुद का सेल्फ वेट फाइंड आउट करना बाकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले गैनेट्री गर्डर का स्पान बनाते हैं। क्रेन गर्डर के स्पान को हमने ए बी बोला था, तो हमारा गैनेट्री गर्डर का स्पान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी डी। मतलब अभी हमने जो स्पान की बात की थी वो ये वाले स्पान की बात की थी, और अब हम जो बात स्पान की बात कर रहे हैं वो ये वाले स्पान की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्पान हमारा है सी एंड डी, और ये था हमारा ए एंड बी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गैनेट्री गर्डर का स्पान बनाएंगे, और इसकी डिस्टेंस है हमारे पास 7.5 मीटर, और इसमें हमारा व्हील बेस को हम रख देंगे सेंटर पर। ठीक है, और सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आएगी हमारी वो कहाँ पर आ जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आएगी वो इसके एकदम मिड सेक्शन पर आएगी। ठीक है, तो इसके मिड हमने मिड सेक्शन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पॉइंट को शो कर दिया,
और यहाँ पर हमने दो पॉइंट लोड को लगा दिए जो कि मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड है। और ये मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड जो आ रहा है हमारा किसकी वजह से आ रहा है, क्रेन गर्डर की वजह से। मतलब क्रेन गर्डर की वजह से, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, मतलब जब ये ट्रॉली यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ये मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड को क्रिएट करेगी, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेट डिज़ाइन तो इसकी करनी है, हमें अल्टीमेट डिज़ाइन तो इसकी करनी है। तो जब ये ट्रॉली यहाँ पर होगी तब हम निकाल रहे हैं, तब हम चेक कर रहे हैं इसकी लोड कैलकुलेशंस। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी हमारी हो जाएगी मिड पर हो जाएगी। और सबसे पहले हम इसका सेंटर ऑफ, और यहाँ पर हमने, और व्हील बेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, जो हमारी ट्रॉली है उसके बीच की व्हील बेस है उसके बीच की डिस्टेंस हमें 3.5 दे रखी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं भाई, ये डिस्टेंस आपको पता है 3.5 है, ठीक है, तो इसकी हाफ़ कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ़ हो जाएगी 1.75, ठीक है। अब हमें निकालना है इस गैंट्री गर्डर का सेंटर ऑफ स्पान, और सेंटर ऑफ स्पान क्या बोलता है, सेंटर ऑफ स्पान यही बोलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लोड के बीच की डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लोड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लोड के बीच की डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 3.75 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3.75 मीटर, ठीक है। अब 3.75 मीटर हमारी डिस्टेंस हो गई। अब हमें इस पॉइंट लोड की डिस्टेंस निकालनी है, तो इस पॉइंट लोड की जो डिस्टेंस होगी, जब आप 3.75 मीटर में से 0.875 को माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लोड की डिस्टेंस आ गई हमारी, और ये डिस्टेंस हमारी हो गई, एक मिनट देखिए, फिर सुनिए, ये हमारा सी डी स्पान था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो मिड पर होगा, तो ये हमारा मिड पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा हो गया, मिड पर हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना सेंटर ऑफ स्पान, और सेंटर ऑफ स्पान हमारा ये कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लोड के बीच की डिस्टेंस होती है, तो लोड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ स्पान। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हो गई हमारी 3.75 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 3.75 मीटर। इसमें से जब हम 0.875 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और इसमें जब हम 3.5 मीटर को ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और टोटल में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ये पोजीशंस को कैलकुलेट करनी है। अब हम बात करते हैं सेल्फ वेट ऑफ द गैंट्री गर्डर। तो देखिए, हम सेल्फ वेट ऑफ द गैंट्री गर्डर यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं 1.6 किलोन्यूटन पर मीटर, और जिस पर क्रेन गर्डर मूव होगी उसका भी हम वेट एज्यूम कर लेते हैं, वेट ऑफ द रेल 0.3 किलोन्यूटन पर मीटर। तो टोटल सेल्फ वेट हो जाएगा हमारा 1.9 किलोन्यूटन पर मीटर, और इसका टोटल फैक्टर लोड हो जाएगा हमारा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.9, तो ये हो गया हमारा 2.85 किलोन्यूटन पर मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो या तो हमारा ई पॉइंट पर होगा या हमारा एफ पॉइंट पर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो ई और एफ पर बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले हमें इसकी रिएक्शंस को निकालना पड़ेगा। तो टू फाइंड द आरसी एंड आरडी यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, आरसी प्लस आरडी इक्वल टू टोटल लोडिंग हो गई हमारे पास, और इससे हम रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमें आरडी को निकालना है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट सी करके आरडी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और आरडी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आरडी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 381.6 किलोन्यूटन। और टोटल लोडिंग में से जब हम आरडी को माइनस करेंगे तो हमारा आरसी आ जाएगा 241.225। अब हमें निकालना है, अब हमें चेक करना है कि इस ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है और इस एफ पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो देखिए, नाउ कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट ई। अब हम ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, और ई पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया 681.75, और ऐसे ही हम निकाल देंगे कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट एफ, और एफ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 427.75,
0.50 किलोन्यूटन मीटर। तो देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा ई पर आ रहा है या एफ पर आ रहा है, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा ई पॉइंट पर हो रहा है, तो यही होगा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा हो जाएगा 681.74, और इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को ही हम बोलते हैं एम जेड, जो हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर टू के अंदर हमने जो फाइनल जो किया वो ये किया कि सबसे पहले तो स्टेप वन के अंदर अपन ने क्रेन गर्डर की वजह से गैंट्री गर्डर पे कितना लोड आ रहा है वो फाइंड आउट कर लिया। स्टेप टू के अंदर हमने लोड की पोजीशन को निकाल कर गैंट्री गर्डर का लोड कंसिडर किया, और उससे फिर हमने बेंडिंग मोमेंट एट ई और बेंडिंग मोमेंट एट एफ निकाल दिया, और मैक्सिमम जो आ रहा था ई पर आ रहा था, तो इसी को हम बोल देंगे डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द वर्टिकल लोडिंग। ठीक है, अब हमारी थर्ड स्टेप जो होगी वो होगी मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेशन फॉर द गैंट्री गर्डर। तो थर्ड स्टेप के अंदर हम निकालेंगे कि मैक्सिमम शेयर फोर्स फॉर द गैंट्री गर्डर। तो देखिए शेयर फोर्स मैक्सिमम कब होगा गैंट्री गर्डर पर, शेयर फोर्स मैक्सिमम गैंट्री गर्डर पर तभी होगा जब हमारा जो व्हील बेस है वो कहाँ एक्ट होगा, सपोर्ट पर। तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन वन व्हील बेस एक्ट एट द सपोर्ट, मतलब जब हमारा एक व्हील बेस जो है गैंट्री गर्डर के सपोर्ट पर एक्ट होगा तब हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा। ठीक है, तो जब हमारा ये व्हील बेस हमारा सपोर्ट पर एक्ट करता है तब रिएक्शंस क्या होगी, तो हम रिएक्शंस निकाल देंगे यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो। आप करोगे तो हमारा हो जाएगा आर सी प्लस आर डी इक्वल टू टोटल लोडिंग, और ये हमारा आ गया 622, और टू फाइंड द आर डी टेकिंग मोमेंट अबाउट सी। तो ये हम इससे हमारी आर डी की वैल्यू आ जाएगी, और आर डी से हम निकाल देंगे आर सी, तो मैक्सिमम रिएक्शन जो आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है 471। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स तभी होगा जब हमारा व्हील बेस सपोर्ट पर एक्ट करेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो अब तक जो हमने स्टेप थ्री तक जो हमने निकाला वो लोड कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन एंड शेयर फोर्स कैलकुलेशन ड्यू टू द वर्टिकल लोडिंग निकाली थी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल सर्ज लोड क्या होगा, सर्ज लोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सर्ज लोड कब क्रिएट होता है, देखिए सर्ज लोड जो क्रिएट होता है जब क्रेन हमारी गैंट्री गर्डर पे मूव होती है, जब क्रेन हमारी गैंट्री गर्डर पे मूव होती है तो उस दौरान जो लैटरल फोर्स जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्ज लोड। और अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड ये हम कितना कंसिडर करते हैं, अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड हम ये 10% कंसिडर करते हैं क्रेन कैपेसिटी प्लस सेल्फ वेट ऑफ द ट्रॉली का। ठीक है, तो 10% ऑफ क्रेन कैपेसिटी प्लस सेल्फ वेट ऑफ ट्रॉली, और क्रेन कैपेसिटी को अपन हुक लोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 24 किलोन्यूटन। अब देखिए हम जानते हैं ट्रॉली में कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल सर्ज लोड जो निकाला है हमने 4 व्हील्स के लिए निकाला है, तो पर व्हील्स के लिए कितना हो जाएगा 24/4 हमारा आ जाएगा 6 किलोन्यूटन। तो फैक्टर सर्ज लोड कितना हो जाएगा, इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 किलोन्यूटन। अब इसके लिए भी हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो देखिए इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए हमने अभी वर्टिकल लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट निकाला था, ठीक है, और मैक्सिमम वर्टिकल लोड था हमारा 300, तो 300 जो क्रिएट कर रहा था बेंडिंग मोमेंट को कितना क्रिएट कर रहा था हमारा 681। ठीक है, तो 1 किलोन्यूटन कितना क्रिएट करेगा 681/300, तो अब हमें कितने के लिए निकालना है 9 के लिए, तो इसलिए 9 क्रिएट करेगा 681/300 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, जिससे हमारा डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्ज लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 20.40। इसको हम बोल देते हैं एम वाई, वर्टिकल लोडिंग की वजह से जो मोमेंट आया था उसको हमने एम जेड बोला, और लैटरल फोर्स की वजह से जो मोमेंट आया उसको हमने एम वाई बोला। अब हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल ब्रेकिंग लोड। अब ये ब्रेकिंग लोड क्या होता है, देखिए जब क्रेन गर्डर मूव करती है गैंट्री गर्डर पर, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं क्रेन गर्डर में, तो उस दौरान जो लोड एक्ट होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल ब्रेकिंग लोड, और ये हमारा लोड हम लेते हैं स्टैटिक व्हील लोड का 5%। ठीक है, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय, अब स्टैटिक व्हील लोड जो हम लेंगे टू व्हील्स के लिए, ठीक है, ब्रेक तो दोनों व्हील्स पे लगेगा ना, तो स्टैटिक व्हील लोड पर व्हील के लिए नहीं लेना, हमें टू व्हील्स के लिए लेना है, और टू व्हील्स का हमारा कितना था
320.775, और इसका भी हम फैक्टर लोड निकाल देंगे। तो ये हमारी हो गई स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। मैक्सिमम शेयर फोर्स हमने निकाल दिया इसमें, और हॉरिजॉन्टल सर्ज लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट को भी फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, सेक्शन सिलेक्शन करेंगे। और सेक्शन सिलेक्शन के यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट हम निकालेंगे इकोनॉमिकल डेप्थ, और इकोनॉमिक डेप्थ होती है हमारी स्पान अपॉन 12। किसका स्पान? गैंट्री गर्डर का स्पान। तो स्पान अपॉन 12 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 625 mm। बट हम जैसे ही स्टील टेबल में जाएंगे तो हमें वहाँ पर 625 mm का कोई भी हमारा सेक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे 600 mm। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा वाले जो सेक्शंस होते हैं वो फिर प्लेट गर्डर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर है 625 mm को हम अप्रोक्स 600 mm ले लेते हैं। और फिर हम विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालते हैं सेक्शन की, और विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो हम आई सेक्शन की लेते हैं L/42 L/30। ठीक है, तो इससे हमारी विड्थ ऑफ द फ्लैंज आ जाएगी। और उसके बाद हम निकालेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो देखिए, हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होता है हमारा M/Fy होता है, लेकिन सेक्शन को मोर सेफ बनाने के लिए हम सेक्शन मॉडुलस को 40-50% इंक्रीज करके लेंगे। तो हमारा ZP रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा 1.4 M/Fy। 1.4 M हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द वर्टिकल लोडिंग, ठीक है, और Fy हो गया हमारा 250। तो इसका ZP रिक्वायर्ड आ जाएगा हमारा 3817.74 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको स्टील टेबल और जो आपको आई स्कोर मिलेगा वहाँ पर जनरल इसकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमने क्यों निकाली, ये तीनों चीज़ हमने निकाली है सेक्शन सिलेक्शन के लिए, मतलब हमें कौन सा सेक्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो आई स्कोर ने ये बोला था कि आपको तीन चीज़ की बेसिस पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यूजिंग द इकोनॉमिक डेप्थ, विथ ऑफ द फ्लेंज एंड ZP, इन तीनों की हेल्प से अपन सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेक्शंस आप आईएस कोड 800 से भी सिलेक्ट कर सकते हो, पेज नंबर 130-140, और स्टील टेबल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक मिनट, तो देखिए हम यहाँ पर जो सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ट्राई किया है ISMB 600। ठीक है, और जिसमें ZP की जो वैल्यू है हमारी 3510.63 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर आप देखोगे स्टील टेबल के अंदर तो आपको ISW भी मिलेगा। देखो, अगर आप ISMB की जब ZP को देखते हो तो इसकी ZP जो है हमारा ZP रिक्वायर्ड से काफ़ी कम है, और कंडीशन ये कहती है कि हमारी ZP की जो वैल्यू है एटलीस्ट ZP रिक्वायर्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपको वहाँ पर ज़्यादा वाला सेक्शन मिलेगा एक ISW। लेकिन ISW को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज, ठीक है, वाइड बीम, और ये इसका स्लेंडरनेस रेशो जो होता है वो कम होता है, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, ये डेंजर होता है। ठीक है, क्योंकि जिस सेक्शन का भी स्लेंडरनेस रेशो कम होगा वो थोड़ा सा डेंजर होगा कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमने ट्राई किया ISMB 600, बट इसका ZP हमारा कम है ZP रिक्वायर्ड से। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम एडिशनल सेक्शन को भी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सो रिक्वायर्ड फॉर द एडिशनल ZP कंसिडर ए सूटेबल चैनल सेक्शन। तो इसके ZP को फुलफिल करने के लिए, जो कम था उसको फुलफिल करने के लिए हम एडिशनल सेक्शन की भी डिज़ाइन करेंगे। और एडिशनल हमें कितना चाहिए ZP, तो हमारा टोटल जो था वो कितना था, 3817, इसमें से हमने ISMB 600 के लिए ले लिया 3510, तो अब हमारा कितना कम पड़ रहा है, 307। तो हमें जो चैनल सेक्शन अब डिज़ाइन करना पड़ेगा वो इस 307 से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यूजिंग दिस कंसिडर ए चैनल सेक्शन वूज ZP इज़ मोर देन 307। तो अब हमें ऐसा चैनल सेक्शन चूज़ करना है जिसकी ZP की वैल्यू एटलीस्ट 307 से ज़्यादा हो। तो हमने एक ट्राई किया ISMC 300, जिसकी ZP की वैल्यू 496 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि ज़्यादा है 307 से। अब आप कंप्लीट ZP चेक करोगे आई सेक्शन का और चैनल सेक्शन का मिलाकर, तो वो हमारा ZP रिक्वायर्ड से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ZP को ज़्यादा किया है ZP रिक्वायर्ड से। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर के स्टेप में हम निकालेंगे
कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर इसमें हम इसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने दो सेक्शन ले लिए, ISMB 600 ले लिए, तो स्टील टेबल से या आई या फिर आप जो आपका कोड है उससे आप इसकी प्रॉपर्टी लिख लोगे, और ऐसे ही चैनल सेक्शन की भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टी को मेंशन करने के बाद देखिए, सबसे पहले हम इसमें सारी मेंशंस कर देंगे, मतलब आई सेक्शन जो है हमारा उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी विड्थ ऑफ लेंथ कितनी है, उसका TF कितना है, TW कितना है। ठीक है, और सबसे पहले इसका हम निकालेंगे सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड जो हमें निकालना है, सबसे पहले इसका हमें निकालना है सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड हमें निकालना है बॉटम से, मतलब पहले हम निकालते हैं वाई बार। तो देखिए वाई बार हम कैसे निकालते हैं, वाई बार का फॉर्मूला हो जाएगा बॉटम से A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार अपॉन A1 प्लस A2। A1 का मतलब हो जाएगा आई सेक्शन का एरिया जो हमें गिवन है जेरा। ठीक है, और A2 का मतलब हो जाएगा चैनल सेक्शन का एरिया, और Y1 बार का मतलब हो जाएगा आई सेक्शन का सेंट्रोइड, टोटल डेप्थ हमारी 600 है, तो सेंट्रोइड कितना हो जाएगा 300, और Y2 बार का मतलब हो जाएगा चैनल सेक्शन का सेंट्रोइड। और चैनल सेक्शन का सेंट्रोइड हम कैसे लेंगे, देखिए आपको ये टोटल 600 पता है और ये आपका 7.6 पता है, तो 600 प्लस 7.6 को हम ऐड कर देंगे, और चैनल सेक्शन की टॉप से सेंट्रोइड कितना है CY 23, तो इस टोटल में से हम 23 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बॉटम से सेंट्रोइड आ जाएगा इसका। तो 600 प्लस 7.6 माइनस 23.6, तो Y2 हमारा आ गया, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा वाई बार आ जाएगा 364.21, तो ये हमारा वाई बार हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है देखिए हम इसमें कंबाइंड प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बिल्टअप सेक्शन के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द बिल्टअप सेक्शन फॉर द जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस का मतलब हमारा हो गया, हमें इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बिल्टअप सेक्शन के लिए। तो देखिए, और इसका फॉर्मूला होता है IZZ1 प्लस IZZ2। IZZ1 के अंदर हम निकाल लेंगे आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और IZZ2 में हम निकाल देंगे चैनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर आई सेक्शन का हो जाएगा हमारा IG प्लस AH1 का स्क्वायर। ठीक है, और चैनल का भी हो जाएगा IG प्लस AH1 का, AH2 का स्क्वायर बोल दो आप इसको। तो IG का मतलब हो जाएगा हमारा, IG का मतलब हो जाएगा आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्सिस जो आपको गिवन है आई सेक्शन के लिए, ए का मतलब आई सेक्शन का एरिया वो भी हमें गिवन है, और H1 का मतलब हो जाएगा वाई बार माइनस Y1, क्या हो जाएगा वाई बार माइनस Y1, मतलब कंप्लीट सेंट्रोइड में से आई सेक्शन के सेंट्रोइड को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कहलाएगा H1। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे चैनल सेक्शन के लिए, चैनल सेक्शन के लिए भी वही हो जाएगा IG प्लस AH2 का स्क्वायर, इसको आप S2 बोल देना। ठीक है, AH2 का स्क्वायर। तो अब देखो चैनल सेक्शन जो होता है जनरली इस तरह से होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे बीम पर जो एक्ट हो रहा है वो कैसे एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आई एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, IY, तो हम यहाँ IG जो रखेंगे तो वो क्या रखेंगे हम IY। ठीक है, तो IY प्लस चैनल का एरिया प्लस H1, और इसका H1 क्या हो जाएगा, इसका H2 जो हो जाएगा हमारा, तो देखिए इसका H2 हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है टोटल जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 364 है, तो टॉप से हमारी कितनी हो जाएगी, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए टोटल हमारा 600 है, ये हमारा 600 है, ये हमारा 600 है। ठीक है, इसमें हम 7.6 को भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारी टोटल डेप्थ हो गई, इसमें से हम 364 को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो इस डिस्टेंस में से हम जब CY को माइनस करेंगे, इस डिस्टेंस में से जब हम CY को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने H2 की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, और H2 की वैल्यू को जैसे हम यहाँ रख देंगे तो हमारा IZZ आ जाएगा, कंबाइंड IZZ। फिर हम निकाल देंगे Z इसका, और Z हो जाएगा हमारा सेक्शन मॉडुलस, Z जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा IZZ अपॉन YMAX। ठीक है, IZZ हमारा कंबाइंड आ गया, और YMAX जो हो जाएगा हमारा
वाई मैक्स का मतलब इसका सेंट्रोइड जो हमारा आया था, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 3.31 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे जो हमने आई जेड जेड के लिए निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई के लिए निकालेंगे। तो आई वाई वाई जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आई वाई वाई फॉर आई सेक्शन प्लस, अब चैनल सेक्शन के लिए भी आई वाई वाई लेंगे, लेकिन चैनल सेक्शन के लिए जो आई वाई वाई होगा वो क्या होगा, आई एक्सेस होगा, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कंबाइंड आई वाई वाई, ठीक है। और जब हमारे पास आई वाई वाई आ गया तो हम निकालेंगे कैलकुलेट द आई वाई वाई फॉर द बॉटम फ्लेंज। बॉटम फ्लेंज के लिए हम आई वाई वाई निकालेंगे। तो देखिए बॉटम फ्लेंज के लिए आई वाई वाई कैसे निकालते हैं, ये हमारा आई सेक्शन है तो इसके लिए हमें आई वाई वाई निकालना है। तो हमारा बी हो जाएगा ये वाला और डी हो जाएगा हमारा ये वाला। तो बी तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 × 210 का क्यूब अपॉन 12। फिर ऐसे ही निकाल देंगे हम आई वाई वाई फॉर द कंप्रेशन फ्लेंज, जो ऊपर वाली फ्लेंज है उसके लिए आई वाई वाई निकाल देंगे। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए कंप्रेशन फ्लेंज के लिए आई वाई वाई कैसे निकालेंगे, मतलब हमें एक तो इसका आई वाई वाई निकालना है, वही बी डी क्यू अपॉन 12 जो नीचे वाले का था वही ऊपर वाले का हो जाएगा, है ना, आई वाई वाई प्लस इसमें हम आई एक्स एक्स ऐड कर देंगे चैनल का, ठीक है, क्योंकि चैनल जो है वो उसके परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। तो जब भी इसमें जब ये ऐड होगा चैनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसके परपेंडिकुलर ही ऐड होगा। अब हमें आई वाई वाई की वैल्यू निकालनी थी तो इसमें हम चैनल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे वो आई एक्स एक्स का ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई सी एफ हो जाएगा हमारा फाइनल 79.676 × 10⁶ mm³। इससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे जो भी हमारा चैनल के लिए आया आई सी एफ, उसमें हम चैनल की सेंट्रोइड का डिवाइड कर देंगे। चैनल हमारा 300 का है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 150, तो ये आ गया सेक्शन मॉडुलस फॉर वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने सेक्शन मॉडुलस एक्स एक्स भी निकाल दिया, सेक्शन मॉडुलस वाई एक्सिस भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस स्टेप के अंदर अपन कंबाइंड प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, हमने आई एक्सिस निकाल दिया, आई वाई वाई निकाल दिया, जेड एक्सिस निकाल दिया, जेड वाई वाई निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द प्लास्टिक मॉडुलस निकालते हैं। और प्लास्टिक मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना होगा। तो देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे लोकेट करते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने के लिए आपको मतलब ये आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हमें लोकेट करना है ये वाली, ठीक है। और इसको लोकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे a1y1 = a2y2 वाला फॉर्मूला। अब देखिए a1y1 क्या होगा और a2y2 क्या होगा, a1y1 का मतलब ये हो जाएगा, एक मिनट, a1y1 का मतलब हो जाएगा, मतलब ये नीचे वाला एरिया, और a2y2 का मतलब हो जाएगा ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर s जो माना है वो आई सेक्शन का एरिया बोला है, तो कंप्लीट आई सेक्शन का एरिया हमारा s है, तो हाफ का कितना हो जाएगा हमारा s/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a1y1 मतलब हमें निकालना है इसका एरिया, सॉरी a1y1 का मतलब हमें जो निकालना है वो इसका एरिया निकालना है। तो इसमें देखिए आई सेक्शन एक इसका जो एरिया होगा, एक तो ये वाला एरिया जो आई सेक्शन के एरिया का हाफ हो जाएगा, और एक हम ले लेंगे इस सेक्शन का एरिया, ठीक है। तो a1y1 जो हो जाएगा हमारा s/2 + dp × t, ऐसे ही ऊपर वाले का निकाल देंगे हम। तो ऊपर वाले का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें ये एरिया तो पता है टोटल s/2, तो इसमें से हम इस वाले को माइनस कर देंगे प्लस चैनल वाले को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाले का एरिया, ठीक है। तो इससे हमारा आ जाएगा dp, और dp की वैल्यू आ गई 190, ठीक है। dp की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 190, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से dp की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई 190, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये डिस्टेंस होगी हमारी 190, है ना। तो मतलब वाई बार से आप ऐसे बोल सकते हो, वाई बार से और
ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 190, ठीक है। अब हमें निकालना है जेड पी वन, ठीक है। तो जेड पी वन हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। अब हमें जेड पी वन निकालना है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी निकालना है, सॉरी, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होगा हमारा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी निकालना है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी निकालना है जेड पी वन, ठीक है। तो जेड पी वन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एरिया इंटू वाई बार, एरिया जिसे अभी हमने एरिया यूज़ किया था, एरिया के साथ अगर आप वाई बार भी यूज़ कर लोगे तो हमारा आ जाएगा जेड पी वन, ठीक है। तो देखिए जेड पी वन हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम जेड पी वन निकालते हैं, जेड पी वन निकाल रहे हैं हम ब्लो द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम जेड पी वन निकाल रहे हैं, तो मतलब ये वाला, इसके लिए हम जेड पी वन निकाल रहे हैं। तो ए वन इंटू वाई वन, तो इसमें देखिए हमने क्या करा, ए वन तो हमें पता ही है, जैसे इसके लिए हम बात करते हैं तो इसमें हम तो देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, हम यहाँ पर दो सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दो सेक्शन ले लेते हैं, एक सेक्शन हम ये वाला ले लेते हैं और दूसरा सेक्शन हमारा ये वाला हो जाता है, ठीक है। तो हम ए वन निकालेंगे इसके लिए, सबसे पहले नीचे वाले के लिए, तो हो जाएगा हमारा 210 इंटू 20.8, ये तो हो गया हमारा ए वन। और इसका जो सेंट्रोइड हो जाएगा हमारा, इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से लेना है, तो इसका जो सेंट्रोइड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। मतलब टोटल हमें पता है, टोटल हमारी कितनी है, टोटल हमारी है 490। तो 490 में से जब हम इसको माइनस करेंगे 20.8 अपॉन 2, तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी वाई वन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही हम देखिए, हमने यहाँ कर दिया 210 मल्टीप्लाई बाय 20.8 और 300 प्लस 190 का मतलब ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। और इस डिस्टेंस में से जब अपने ये वाली डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी वाई वन, ठीक है। ऐसे अपन इसके लिए भी निकाल देंगे, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इसकी विड्थ और इसकी ये हाइट ले लेंगे और इसका सेंट्रोइड कर देंगे फिर अपन, और इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, इसकी डेप्थ का हाफ हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। मतलब ए वन इंटू वाई वन और ए टू इंटू वाई टू, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ऐसे ही अपन निकालेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अबव द न्यूट्रल एक्सिस। अबव द न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अबव द न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब हमें करना क्या है, हमें इसका ए वन वाई वन लेना है, हमें इसका ए टू वाई टू लेना है और हमें इसका ए थ्री वाई थ्री लेना है। मतलब पहले चैनल सेक्शन का हम एरिया लेंगे, ठीक है, और फिर उसकी हम सेंट उसका हम सेंट्रोइड लेंगे, फिर उसका हम सेंट्रोइड लेंगे, ठीक है। फिर हम ये वाला फ्लेंज लेंगे, ठीक है, फिर इसका सेंट्रोइड लेंगे, फिर हम ये वाली वेप लेंगे, फिर इसका सेंट्रोइड लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे तीन सेक्शन आ जाएंगे, ठीक है, इसमें हमारे तीन सेक्शन आ जाएंगे, फर्स्ट सेक्शन ये वाला हो जाएगा, सेकंड ये वाला हो जाएगा और थर्ड हमारा ये हो जाएगा। तो जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री, तो हमारा ये आ जाएगा सेक्शन मॉडुलस अबव द न्यूट्रल एक्सिस जेड पी टू, ठीक है। और हमें जो लेना है, प्रोवाइड द जेड पी जेड जो होगा हमारा, वो होगा जेड पी वन प्लस जेड पी टू, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.327 इंटू 10 की पावर 6, जो कि जेड पी रिक्वायर से ज़्यादा है, ओके, ठीक है। ऐसे हम जेड पी वाई निकाल देंगे, और जेड पी वाई निकालने का फॉर्मूला होता है बी डी क्यू बाई फोर, बी डी स्क्वायर बाई फोर, और बी डी स्क्वायर बाई फोर से हमारा आ जाएगा जेड पी वाई, ठीक है। एंड उसके बाद हम निकालेंगे चेक द मोमेंट कैपेसिटी, चेक फॉर द मोमेंट कैपेसिटी। मोमेंट कैपेसिटी को निकालने के लिए पहले हम चेक करेंगे हमारा सेक्शन प्लास्टिक है या नहीं। तो हम चेक करेंगे पहले आई सेक्शन को, तो आई सेक्शन को चेक करने के लिए हम आई सेक्शन की फ्लेंज चेक करेंगे, और आई सेक्शन की फ्लेंज जो चेक करते हैं वो हम कुछ इस तरह से चेक करते हैं, बी अपॉन टी एफ वाले फॉर्मूले से। तो बी जो होता है हमारा, ये डिस्टेंस होती है बी, ठीक है, इसको बोलते हैं बी। तो बी क्या हो जाएगा, टोटल, जब टोटल में से जब हम टी डब्ल्यू को माइनस करेंगे और बाई टू कर देंगे तब ये डिस्टेंस आएगी। तो बी अपॉन टी एफ जब आप करोगे तो ये हो गया फ्लेंज का चेक, और इसकी वैल्यू 9.4 से कम होगी तो हमारा सेक्शन क्या होगा, प्लास्टिक होगा, तो हमारा सेक्शन प्लास्टिक हो गया। ऐसे अपन चेक करेंगे चैनल के लिए, सिमिलर चेक कर देंगे चैनल के लिए, तो चैनल के लिए हो जाएगा बी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन टी एफ, तो इसकी वैल्यू भी 9.4 से कम है तो हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा।
ऐसे हम चेक कर लेंगे वेब के लिए, मतलब इस वेब के लिए, तो वेब में हम चेक करते हैं डी, डी अपॉन टी डब्ल्यू, मतलब डी हो गया और टी डब्ल्यू हमारा ये होता है डी अपॉन टी डब्ल्यू की जब वैल्यू जो है 84 से कम होगी तो हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। जैसे हमारा सेक्शन से हमारा प्लास्टिक हो गया तो मोमेंट कैपेसिटी हम चेक कर रहे थे, तो हम इसमें निकालेंगे लोकल मोमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, एम डी जेड के लिए भी निकाल देंगे और एम डी वाई के लिए भी निकाल देंगे। फॉर्मूला आपको गिवन है 1.2 जेड डी एफ वाई अपॉन गामा एम नोट, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, एम डी जेड के लिए, ये आ जाएगा एम डी वाई के लिए। तो यहाँ हम जेड डी जो रखेंगे एम डी जेड के लिए जब हम निकालेंगे तो हमारा जेड डी जो होगा वो जेड पी जेड हो जाएगा, और जब हम एम डी वाई के लिए निकालेंगे तो हमारा जेड डी जो हो जाएगा वो जेड पी वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे मोमेंट को, अकॉर्डिंग टू कोड एम जेड अपॉन एम डी जेड प्लस एम वाई अपॉन एम डी वाई इज नॉट ग्रेटर देन वन, इसकी वैल्यू जो है आपकी वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब इसको हमने सोल्व किया, एम जेड का मतलब हो गया हमारा वर्टिकल लोडिंग से जो मोमेंट आ रहा था, और एम वाई हो गया हमारा लेटरल सर्ज लोड से जो हमारा मोमेंट आ रहा था, ठीक है, और एम डी जेड और एम डी वाई भी अपने निकाला ही है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेक्शन विल बी सेफ फॉर द मोमेंट कैपेसिटी बिकॉज यहाँ पर इसकी वैल्यू वन से कम आ रही है। फिर हम निकालेंगे चेक फॉर द शेयर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू आई एस कोड पेज नंबर 59, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में जो शेयर फोर्स निकाला था मैक्सिमम वो था 4471, तो अब हम निकालते हैं डिज़ाइन शेयर फोर्स, और डिज़ाइन शेयर फोर्स का फॉर्मूला है ए वी एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट थ्री गामा एम नोट, ठीक है। और इसका डिज़ाइन आया हमारा 944 जो कि हमारा 471 से कम है, तो हम यहाँ चेक लगा देंगे वी की कोड हमारा ये बोलता है कि जो वी की वैल्यू है वो हमारी बी डी से कम होनी चाहिए। तो देखिए हमारा जो स्टार्टिंग में शेयर फोर्स आया था वो डिज़ाइन शेयर फोर्स से कम है, और स्टार्टिंग वाला जो शेयर फोर्स आया था वो 0.6 वी डी से भी कम है, तो सेक्शन हमारा सेफ हो जाएगा वर्टिकल शेयर के लिए। ऐसे हम निकालेंगे चेक फॉर द डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन ऑलवेज चेक जो होता है वो वर्टिकल लोडिंग पर होता है, तो देखिए और वर्किंग लोडिंग पर होता है, सॉरी वर्किंग लोडिंग जो थी हमारी वो थी हमारी 160, कितना था हमारा वर्किंग लोड, जो हमारा वर्टिकल लोड जो था पर व्हील के लिए वो था 160.4, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एड, और ये हमारी हो गई गैंट्री गर्डर, हम डिफ्लेक्शन जो निकाल रहे हैं गैंट्री गर्डर पे निकाल रहे हैं, गैंट्री गर्डर पे हमारे ये व्हील थे और व्हील बेस जो था हमारा वो सी था, इनके बीच की स्पेसिंग जो थी सी थी, ठीक है। और आपको पता है हमेशा जो डिफ्लेक्शन निकालते हैं ऑलवेज कितने किस पे निकालते हैं, वर्किंग लोड पे निकालते हैं। तो अपन यहाँ पर डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई है 3a/4l माइनस ए क्यू अपॉन एल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ डब्ल्यू हमें 160, एल हमारा स्पान दे रखा है, ई पता है आपको, ए का मतलब जो होगा ए जो होगा यहाँ पर एल में से जब आप सी को माइनस कर दोगे तो ये दोनों डिस्टेंस बचेगी इसका हाफ, तो एल माइनस सी अपॉन टू जब हम करेंगे तब हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। मतलब ए जो होगा हमारा एक्चुअल में हमारा ए जो होगा वो ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, और डिफ्लेक्शन हम निकालते हैं हमेशा वर्किंग लोडिंग पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डिफ्लेक्शन फॉर द वर्टिकल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग के लिए हम डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, और वर्टिकल लोडिंग के लिए जो डिफ्लेक्शन है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर, डब्ल्यू पता है आपका, डब्ल्यू एल क्यूब आपको पता है, ई पता है, आई जेड जेड पता है, और थ्री ए पता है आपका, और फोर एल की वैल्यू आपको पता है, और ए क्यूब अपॉन एल क्यूब भी आपको पता है, ठीक है। तो इससे हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा 8.46, और आई एस कोड क्या बोलता है, ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो हमारे परमिसिबल डिफ्लेक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हम जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो होता है गैंट्री गर्डर के अंदर वो होता है स्पान अपॉन 750, ठीक है। और हमारा डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो 8.46 आ रहा है जो कि 10 mm से कम है, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन ओके हो गया, ठीक है। तो ये हमने डिफ्लेक्शन निकाला वर्टिकल लोडिंग की वजह से, वर्टिकल लोडिंग की वजह से हमारा डिफ्लेक्शन सेफ हो गया। तो देखिए वर्टिकल लोडिंग की वजह से जब हमने डिफ्लेक्शन निकाला तो हमने वर्टिकल लोड कंसिडर किया और आई जेड जेड की वैल्यू ली, ठीक है। जब ऐसे ही हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे लेटरल लोड की वजह से, तो लेटरल लोड की वजह से जब आप डिफ्लेक्शन निकालोगे तो आपको लेटरल लोड कंसिडर करना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका यूज़ होगा ICF, तो उससे हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है 7.49 जो कि हमारे मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन से हमारा कम है। तो ये हमारा डिज़ाइन ऑफ गैंट्री गर्डर जो है वो वर्टिकल लोडिंग के लिए भी ओके हो गया और लेटरल लोड के लिए भी
ओके हो गया। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और व्यूवर्स, आपको कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना, मैं इस प्रॉब्लम को बोर्ड के जरिए भी बता दूंगा आपको। ठीक है, बोर्ड पर मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता देना। थैंक यू सो मच।